हम में से जो लोग रिटेलर के पास जाने से ज्यादा घर बैठ के ऑनलाइन रिचार्ज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग कभी ना कभी एक बार पेटीएम यूज किए ही है। और इसीलिए गूगल प्ले स्टोर में 100 मिलियन प्लस डाउनलोड के साथ पेटीएम अब इंडिया की मोस्ट डाउनलोडेड पेमेंट ऐप बन चुकी है। बचपन से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला पुअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, एक वक्त जिनके पास पेट भर के खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं था, वो लड़का इंडियन मार्केट में बिल्कुल एक नए आइडिया को कैसे इतना बड़ा सक्सेस बनाने में कामयाब हुआ, उस पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के सक्सेस स्टोरी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जीनियस बिजनेसमैन का जन्म हुआ था 8 जुलाई 1973 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। उनका जीनियस इंटेलिजेंस नजर पे आने पर एक स्पेशल परमिशन के जरिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। बाकी के हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों के तरह ही इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद इंग्लिश में प्रोफेसर का लेक्चर समझने में विजय को भी बहुत दिक्कत होता था। कॉलेज में प्रोफेसर अगर उनको इंग्लिश में कुछ सवाल करते थे तो वो चुपचाप खड़े रहते थे। इंग्लिश ठीक से ना बोल पाने की वजह से उनके क्लासमेट्स भी उनको लेकर मजाक करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे वो क्लास में जाने का इंटरेस्ट खोने लगते हैं। इसलिए कॉलेज में जाकर ज़्यादातर वक्त वो लाइब्रेरी में तरह तरह की इंग्लिश बुक्स और सक्सेस स्टोरीज पढ़कर अपना वक्त बिताते थे। तरह तरह के सक्सेस स्टोरीज पढ़ के एक चीज़ उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि लाइफ में अगर बड़ा कुछ करना है तो उन्हें खुद को ही अपने लाइफ का बॉस बनना होगा। इसलिए कॉलेज में सिर्फ कंप्यूटर क्लासेस से वो कोडिंग सीखना शुरू करते हैं। कुछ वक्त के अंदर ही वो और उनके एक दोस्त मिलकर indiasite.net नाम से एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, जो बेसिकली एक सर्च इंजन था। दो साल बाद एक अमेरिकन कंपनी उनकी वो वेबसाइट उनसे खरीद लेती है। इसके बाद विजय काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम करते रहे और एक साल काम करने के बाद वो अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए सफिशियंट पैसे जमा कर लेते हैं और सन 2000 में वो 197 नाम से अपनी एक कंपनी शुरू करते हैं। 197 बेसिकली पीपल सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, मतलब कोई अगर जानना चाहे कि उनको कौन कॉल कर रहा है तो उन्हें वो नंबर 197 कंपनी को मैसेज करके भेजना पड़ता था और कंपनी उस नंबर के ओनर के डिटेल्स रिप्लाई करके भेज देती थी। लेकिन 197 कंपनी चलाने के लिए विजय का सेविंग्स कम पड़ने लगा, इसलिए विजय को 197 कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ने लगा। कंपनी चलाने के लिए कई बार 24% इंटरेस्ट रेट में भी उनको लोन लेना पड़ा था, इसलिए 197 से जो पैसे इनकम होते थे वो बैंक का इंटरेस्ट, एम्प्लॉयज़ के सैलरी और घर का किराया देने में ही निकल जाता था। यह तक कि एक वक्त था जब घर का किराया देने के पैसे ना रहने की वजह से वो हर रोज़ रात में देर से घर लौटते थे और सुबह होते ही घर से निकल जाते थे, जिससे कि उनके लैंडलॉर्ड उनको देख ना सके। दिन ब दिन उनका फाइनेंशियल सिचुएशन और भी ख़राब होने लगा था। यह तक कि खाने के पैसे ना रहने की वजह से वो कभी कभी उनके दोस्तों के घर चले जाते थे खाना खाने। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना ख़राब होने लगा था कि दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल के पास में आधी रात में एक सस्ते वाले पराठे की दुकान में उनको खाना खा के पेट भरना पड़ता था। कभी कभी डिनर करने के पैसे ना रहने की वजह से दो कप चाय खा के भी रात गुजारना पड़ता था पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा को। कंपनी चलाने के पैसे का इंतजाम करने के लिए उनको कंसल्टेंसी और ट्रेनर का काम शुरू करना पड़ा था। कंसल्टेंसी का काम करते वक्त उनके साथ मिस्टर पीयूष अग्रवाल का जान पहचान होता है। मिस्टर अग्रवाल के कंपनी की सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए विजय की मदद का ज़रूरत पड़ा था। विजय और डेवलप कर देने के बाद मिस्टर अग्रवाल की कंपनी की प्रॉफिट दो गुना बढ़ जाती है। विजय के काम से इम्प्रेस होकर मिस्टर अग्रवाल विजय को उनके कंपनी की सीईओ बनने का ऑफर देते हैं। जवाब में विजय कहते हैं कि उनकी अपनी एक कंपनी है और वो कुछ भी करके उसे एक अच्छे पोजीशन में ले जाना चाहते हैं। इस वजह से उनके लिए मिस्टर अग्रवाल के ऑफर को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। इधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनके घर वाले उनको कंपनी बंद करके एक डिसेंट जॉब करके सेटल होने के लिए फोर्स करने लगे थे। एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर, ये सब विजय को मेंटली पूरी तरह से अपसेट कर दिया था। आखिर में और कोई चारा ना मिलने की वजह से वो मिस्टर अग्रवाल का दिया हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो दिन के आधे वक्त मिस्टर अग्रवाल की कंपनी की देखभाल करेंगे और बाकी समय अपनी कंपनी की देखभाल करेंगे, और इसके लिए मिस्टर अग्रवाल को उन्हें मंथली 30,000 सैलरी देना होगा। पीयूष अग्रवाल उनके प्रपोजल से राजी हो जाते हैं। विजय के कंपनी की काम भी मिस्टर अग्रवाल को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। बैंक के हाई इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ते रहने की वजह से विजय का बैंक में बहुत ज़्यादा उधार जमा हो जाता है। इस बारे में वो पीयूष अग्रवाल को बताने पर पीयूष अग्रवाल 8 लाख रुपीज़ देकर 197 कंपनी की 40% शेयर खुद खरीद लेते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि स्मार्टफोन का यूज़ दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ते ही जा रहा है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर ही वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे कि लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए ही आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके। प्लान के मुताबिक 8 जुलाई 2010 में विजय के 37 बर्थडे के दिन paytm.com नाम से एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च होता है और कुछ ही दिन के अंदर 197 कंपनी पेटीएम ऐप, जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल,
पब्लिकली लॉन्च कर देती है। शुरू में पेटीएम सिर्फ ऑनलाइन प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज एंड ऑनलाइन डीटीएच रिचार्ज की फैसिलिटी से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ दिन के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, बस टिकट, ये सब फैसिलिटीज़ ऐड होने की वजह से लोगों को ये अब बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और देखते ही देखते सिर्फ 3 साल के अंदर पेटीएम 250 लाख वॉलेट यूज़र साइन अप करवा लेती है। इसके कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन की तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करके ई कॉमर्स की दुनिया में एंट्री लेती है पेटीएम। और रिसेंटली पेटीएम अपनी पेमेंट बैंक भी स्टार्ट कर चुकी है। विजय शेखर शर्मा एक बहुत ही सिंपल एंड डाउन टू अर्थ इंसान है, और उस चीज़ का प्रूफ है उनके लाइफस्टाइल और उनके कंपनी के रूल्स। हालांकि पेटीएम आज 814 करोड़ रुपीज़ की टर्नओवर करने में कामयाब हुई है, लेकिन फिर भी विजय शेखर शर्मा कंपनी के सीईओ होने के बावजूद भी कोई अलग या स्पेशल रूम में नहीं, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही एक साथ बैठ के कंपनी का काम संभालते हैं। और आज पेटीएम इतनी बड़ी सक्सेस बन चुकी है कि कोई भी छोटा मोटा दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह पर पेटीएम एक्सेप्ट किया जा रहा है। और अब विजय अपनी लाइफ से इतना ही ज़्यादा खुश है कि वो मानते हैं, आई डोंट नीड टू स्लीप, आई एम लिविंग अ ड्रीम। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिला हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी को इंस्पायर होने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।